भारताने पाकिस्तानवर 7 विकेटनी विजय मिळवलेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातन देखील क्रीडा रसिक जे आहेत ते दाखल झाल्याचं पाहायला मिळालेलं होतं. आपल्यासोबत असेच काही क्रीडा रसिक आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. काय सांगाल, कुठनं आला होता तुम्ही आणि कसा एक्सपिरियन्स होता? जळगाववरून आला, रावेर तालुका आपला, तिथून आला आहे मी मॅच बघायसाठी. कोणताही स्टेडियम हे मॅच इंडिया विरुद्ध पाकिस्तान याचा कंपॅरिझन नाही करू शकत आपण. इतना मोठा स्टेडियमच हे जस्टिफाय करू शकत होता हे मॅचसाठी, आणि इतना मजा आला तुम्हाला काय सांगू. हा, कोणाचा परफॉर्मन्स जास्त आवडला? रोहित शर्माचा. माझी टी शर्टवर पण रोहित शर्माचाच आहे आणि सर्वात चांगला खेळला रोहित शर्मा. काय छक्के मारले, एक नंबर मजा आला. तर आपण बघू शकतो हा काही एक्सपिरियन्स आहे जो एकूणच सगळ्या क्रीडा रसिकांचा आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. अजून ही गर्दी जी आहे माझ्या मागची ती अजून काही संपलेली नाही. साधारणपणे 1 ते 1.25 लाखांची आसन क्षमता या संपूर्ण नरेंद्र मोदी स्टेडियमची आपल्याला पाहायला मिळालेली होती आणि तशाच प्रकारचा काही उत्साह जो आहे तो देखील आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालेला आहे. कहाँ से हो आप? हम हरियाणा से, इतनी दूर से आए हैं मैच देखने. कब आए थे? 2 दिन, 13 तारीख को, परसों. अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा. हम तो जाएंगे, पारी खेली है वो दिल जीत लिया रोहित शर्मा ने. बुमराह ने मैच बनाया, बुमराह ने पार्टनरशिप तोड़ के हमको जो मौका दिया और उसको हम लोगों ने लपक लिया. एक पे एक किलिया बिखेरी है पाकिस्तान की. और रोहित शर्मा की जो इनिंग थी उसे देख के इतना ज्यादा मजा आ गया. रोहित हिटमैन है, सबसे मेन है रोहित शर्मा का फॉर्म में आना इंडिया के लिए. अब इंडिया वर्ल्ड कप रोहित शर्मा का जो कॉम्बिनेशन है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. एक एक छक्के ऐसे लग रहे थे जैसे पूरा क्राउड एक साथ उठ रहा था, एकदम से माहौल ही अलग था. एकदम मजा आ गया, एकदम मजा आ गया. ऐसा लग रहा है पूना से. पूना वरना आले पुणे. आजा इधर. क्या कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा हमको. रोहित का सेंचुरी मिस हो गया, रोहित का सेंचुरी मिस हो गया, लेकिन आज इंडिया जीत गई है, भारत जीत गया है, रोहित जीत गया है और इंडिया जिंदाबाद. आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. जो शुभमन गिल को जो खेला ना, जो पहले 3 बाउंड्री लगाए ना, उसमें हम 50 रन जीत गए. विल बिगन इज हाफ डन. और बाकी का संभाल दिया रोहित शर्मा की. सिक्स मैन हिट. देखो जब वो मारता है ना तो ये कोई भी बॉलर नहीं है जो उसके सामने. उसने अफगानिस्तान के भी सामने सेम किया था. राशिद खान को 16 रन ले लिए थे एक ओवर में. आज रौफ लाला, ओ साइन अफरीदी, सभी लोगों को उसने 2-2 छक्के मारे, सभी लोगों को. और वो जो फ्रंट यार में कोई मजा है ना इसमें, जो मजा है. लेकिन आज रोहित शर्मा जो खत्म के हार गया उसका दुख हुआ है. रियल फाइनल, एक रियल फाइनल है कि नहीं ना ये इंडिया पाकिस्तान. बट फाइनल अभी देखने की जरूरत नहीं, ये फाइनल जैसा हो गया. पर अगर पाकिस्तान फाइनल तक जाता है तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? वो अभी पहले जीतेंगे. ये अभी ट्रायल दिखाया है. अभी ये ट्रायल दिखाया है, वो टाइम पे तो 50-50 बोल दो, 400-400 रन हो जाएंगे. इंडिया को हराना नामुमकिन है. मैं नागपुर से आया हूँ ये मैच देखने के लिए. अगर इंडिया पाकिस्तान वापस फाइनल में आता है तो फिर से आऊंगा और इंडिया 10-0 हो जाएगा. इंडिया एक भी मैच नहीं आ रही थी. टिकट है मेरे पास दो. अच्छा है फाइनल. आपण बघू शकतो की फायनलची तिकीट देखील काही प्रेक्षकांकडे आता पाहायला मिळत आहे. जर का भारत विरुद्ध पाकिस्तान पुन्हा एकदा सामना झाला तर पुन्हा हीच मंडळी जी आहे ती आपल्याला पाहायला मिळेल. कॅमेरामॅन पियुष अभिषेक राठ, एबीपी माझा, अहमदाबाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.